हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। आज बेटे की छुट्टी थी तो वो पार्क में आया है साइकिल चलाने, तो मैं आई थी। थोड़ी सी उसके साथ ही मेरी वॉक भी हो गई और उसने साइकिल भी चला ली। पार्क में कितना अच्छा लगता है, सुबह सुबह अच्छी फ्रेश एयर हमें मिलती है तो आना चाहिए। वैसे तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, मेरे बेटे को तो बिल्कुल नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल जाता है और 7:30 बजे ही का स्कूल है उसका, 7:45 बजे का, तो टाइम नहीं मिल पाता है। उसे तो बहुत शौक है और आजकल पढ़ाई भी इतनी है कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता। 2:45 बजे आता है, उसके बाद खाना पीना खाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर पढ़ाई। ऐसे ही उसके पास टाइम ही नहीं हो पाता। तो जब छुट्टी होती है ना तो उसे साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब भी छुट्टी होती है साइकिल के लिए कहता है। कभी उसके पापा लाते हैं और कभी पापा को काम होता है तो मैं ले आती हूँ। यहाँ इतनी हरियाली और इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए बच्चों को कितना शौक होता है ना, ऐसे हमें, मुझे भी बहुत था साइकिल का शौक बचपन में। अब तो मुझे आती ही नहीं है साइकिल चलानी, भी कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ घर आ गई थी, आके नहा धो के पूजा कर रही थी मैं। यहाँ सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, जब तक कंप्लीट नहीं लगता दिन, शुरू ही नहीं हुआ और जब तक पूजा नहीं कर लेती। तो सुबह मैंने उठ के पहले पार्क वगैरह गए, नहा धो के सारी साफ सफाई करी थी। साफ़ सफाई करने के बाद, नहाई थी, नहाने के बाद अब आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। किचन में हमेशा ज़्यादातर मैं नहा के ही जाती हूँ, ऐसे खाना नहीं बनाती हूँ। वही होता है, शुरू से यही सीखा है। मेरी मदर जो हैं वो आज तक इतनी एज में भी बिना नहाए किचन में नहीं जाती हैं, नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही वो किचन में खाना बनाती हैं। कहते हैं ना अच्छा रहता है, शुद्धि ज़रूरी है। तो यहाँ मैं ऐसे ही पूजा वगैरह कर रही थी, भगवान जी को आरती दूंगी, अब आप भी आरती ले लीजिए। अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है घर में भी और हमारे मन में भी। भगवान से पूजा करके ये लीजिए, आप भी आरती ले लीजिए। गणपति बप्पा आए हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। वैसे भगवान आए हैं हमारे घर में इस बार तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मेरा बेटा है अभी बैठा हुआ है, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए। फटाफट से मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ मूली के पराठे। मूली के पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे शादी से पहले पसंद नहीं थे, बट देखिए शादी के बाद क्या होता है ना, सब कुछ जो नहीं पसंद होता वो भी पसंद आने लग जाता है। बहुत नखरे करती थी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट ये होता है ना शादी हो जाती है तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जो है जैसे है, सबकी पसंद ही अपनी पसंद बन जाती है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे तेल लगा लिया था थोड़ा, क्योंकि पानी मूली का निकालते हैं ना तो फिर हाथों में बहुत जलन होने लगती है, मिर्ची लगने लगती है। तो वही खाने वाला ही तेल थोड़ा हाथों में लगा के निचोड़ेंगे तो फिर मिर्च नहीं लगेगी। ऐसे ही मैं इसको निचोड़ लूँगी और इसके बाद इसमें मसाले, जो बेसिक से मसाले होते हैं, वही ऐड करके मूली के पराँठे बनाऊँगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा पिंच हल्दी पाउडर, बस यही, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आपको आवाज़ ठीक नहीं लग रही होगी मेरी। आज मुझे कोल्ड हो रहा है, थोड़ा फीवर भी हो रहा है, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं आपके साथ। आज एक ये छोटा सा ही व्लॉग शेयर कर पाई हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, अजीब सी हो रही है थोड़ी। कोशिश तो की मैंने कि अच्छे से बोल पाऊँ, पर वही है ना, कोल्ड हो जाता है ना तो फिर आवाज़ चेंज हो जाती है। मौसम है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, बस ऐसे ही है। काम में लगे लगे अपना ख्याल रख नहीं पाते तो बीमार हो ही जाते हैं, इसीलिए अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे पसीने आए हैं, कभी पानी नहीं पी लिया ठंडा, तो बस थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। वेदर भी चेंज हो रहा है और सेंसिटिव भी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय।